बरेली में एक सर्राफा कारोबारी से लूटी गई स्कूटी और चोरी की चार मोटरसाइकिलों के साथ पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। थाना भितरी चैनपुर क्षेत्र में सुरेश शर्मा नगर से बिचपुरी की ओर जाने वाले रास्ते पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र की इंद्रनगर कॉलोनी निवासी सर्राफा कारोबारी सचिन वर्मा पुत्र नीरज वर्मा से लूटी गई स्कूटी और चोरी की चार मोटरसाइकिलों के साथ पुलिस ने इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव गुलरिया के मूल निवासी खजुरिया घाट भारत एजेंसी के पास रहने वाले विशाल पटेल पुत्र सूरजपाल पटेल और उसके साथ ही इज्जतनगर के ही पैसपुर गांव के मूल निवासी संजय नगर सैनिक कॉलोनी में रहने वाले लालू पटेल उर्फ शिवराज पुत्र प्रेमपाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने अपने तीसरे साथी मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के गाँव खिरिया निवासी धर्मवीर सिंह पुत्र हर्षनाथ सिंह के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। लालू ने अपने साथियों को बताया कि वो सर्राफा कारोबारी सचिन वर्मा को जानता है जो केसरपुर में दुकान चलाता है और स्कूटी पर पैसे और जेवर लेकर आता जाता है। लालू ने दो दिन तक सर्राफा कारोबारी की रेकी की। 20 जुलाई को विशाल पटेल और धर्मवीर से जो अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई उसकी नंबर प्लेट बदलकर सुनार की स्कूटी का पीछा करते हुए आए सुनार की लोकेशन लालू बता रहा था। जब सर्राफा कारोबारी लालपुर चौराहा से दोहरा की तरफ आया तो विशाल और धर्मवीर ने उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। उसके ऊपर मिर्च पाउडर भी फेंका गया था। स्कूटी को छीनकर विशाल लेकर भाग गया और अपाचे मोटरसाइकिल को धर्मवीर चुरा कर ले गया। पीछे पीछे लालू भी मोटरसाइकिल से आ गया था और उन्होंने इस घटना के बाद एक खंडहर के पास झाड़ियों में बेचने के लिए स्कूटी खड़ी कर दी। अभियुक्तों की निशानदेही पर एक सफ़ेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल, एक पीले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल और एक काले रंग की मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद की गई है। मोटरसाइकिल के बारे में दोनों लोगों ने बताया कि तीनों ने मिलकर अपने मोटरसाइकिल को सिंह ढाबा फरीदपुर के पास से पैशन प्रो मोटरसाइकिल कचहरी के पास से चोरी की थी और पल्सर मोटरसाइकिल पीलीभीत में गहनिया चौराहा से चोरी की थी। आज चोरी की गई मोटरसाइकिल को बेचने के इरादे से सभी जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें जेल भेज कर फरार साथी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए दिनांक 20 जुलाई 2023 को थाना क्षेत्र भीतरी चैनपुर में डोहरा मोड़ स्थित जीआरएम पब्लिक स्कूल के आगे एक ज्वेलर्स के साथ एक लूट हुई थी जिसमें तमंचे के फायर के पश्चात उस व्यक्ति की स्कूटी लूटी गई थी और सीसीटीवी में तमाम सीसीटीवी उस रास्ते के और अन्य रास्तों के जब खंगाले गए तो दो व्यक्तियों की उसमें पहचान हुई थी। जो ये व्यक्ति दोनों लुटेरे थे ये एक अपाचे पर थे। इन व्यक्तियों की कल दिनांक 11 अगस्त 2023 को डोहरा मोड़ से ही गिरफ्तारी की गई है। इन व्यक्तियों के पास से जो लूटी गई स्कूटी थी वो बरामद की गई है। इसके अलावा जिस वाहन से इन्होंने घटना कारित की थी, जिस अपाचे से घटना कारित की थी वो भी बरामद हो गई है। ये अपाचे भी फरीदपुर से चोरी की है। इसके अलावा इन व्यक्तियों के पास से तीन अन्य चोरी की गाड़ियां बरामद की गई है। तो टोटल चार चोरी की गाड़ियां इनसे मिली है और एक स्कूटी जो लूटी गई थी वो इनसे बरामद की गई है। और घटना के समय जिस व्यक्ति ने फायर किया था उस व्यक्ति की भी पहचान हो गई है। वो मऊ का निवासी है और वो फरार चल रहा है। अभी तक दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई और तीसरा व्यक्ति फरार है। ये क्या करते हैं, इनके बारे में कोई जानकारी मिली? देखिए सभी का आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो व्यक्ति फरार है वो मऊ का हिस्ट्री शीटर है और उस पर लगभग 8 से 10 मुकदमे चोरी और लूट की धाराओं में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त जो दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उन पर भी 6-7 मुकदमे थाना इज्जतनगर, थाना बारादरी और प्रेमनगर से पंजीकृत हैं। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और हिस्ट्री शीट इनकी खोली जाएगी।